नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत अपनी संस्कृति, धर्म और मंदिरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश होने के अलावा एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी है। लेकिन ये जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य वाला देश है, वहाँ भी कुछ ऐसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं जिनकी विशेषताओं के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा कई हिंदू भी रहते थे, जिनकी वजह से वहां हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन समय के साथ साथ उन मंदिरों का अस्तित्व मिटा दिया गया और अब यहां कुछ ही मंदिर शेष रह गए हैं। ये मंदिर बेहद लोकप्रिय और देखने लायक है, जिसकी वजह से पर्यटक खास तौर से इन मंदिरों के भी दर्शन करने जरूर आते हैं। इस्लामिक देश होने के बावजूद यहाँ के मंदिरों में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी सिर झुकाते हैं। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के इन हिंदू मंदिरों के इतिहास के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी और हिंगोल नेशनल पार्क है, जिनके बीच में हिंगलाज माता का मंदिर मौजूद है। ये मंदिर बहुत फेमस और दर्शनीय है। ये मंदिर अपनी पौराणिक कथा से जाना जाता है। हिंगलाज मंदिर माता सती की कई प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। जब देवी सती हवन कुंड की अग्नि में समा गई थी, तब भगवान शिव ने उनके जलते शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने सती माता का शीश काटने के लिए चक्र फेंका था। उस चक्र से शीश कटकर जिस जगह पर गिरा वो यही जगह है। इस वजह से इस मंदिर को यहाँ स्थापित किया गया। इस मंदिर में भगवान शिव भीमलोचन भैरव रूप में विराजमान है और माता सती की भी यहाँ मूर्ति रखी गई है। ये मंदिर गुफा के आकार में पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान शहर में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर को आदित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की प्रसिद्ध आदित्य मूर्ति को 10वीं शताब्दी के अंत में मुल्तान के नए राजवंश इस्माइली शासकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जामवंत ने अपनी बेटी जामवंती की शादी कृष्ण से करवाई थी। जामवंती और कृष्ण के बेटे का नाम था सांब। उन्हीं सांब ने पिता कृष्ण से मिले कोढ़ी होने के श्राप से मुक्ति के लिए ये सूर्य मंदिर बनवाया था। मुल्तान में स्थित इस मंदिर में करीब 1500 साल पहले घूमने के लिए आए चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने इस मंदिर के बारे में कई बातें लिखी हैं। चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने इस मंदिर के बारे में बताया कि मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि कई बार लूटा था। कराची स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि ये मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। त्रेता युग से 17 लाख साल पुरानी हनुमान जी की एकमात्र मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ विराजमान पंचमुखी हनुमान पिछले 17 लाख वर्षों से भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। इस मंदिर का पुनर्निर्माण 1082 में कराया गया था। इस मंदिर में भी हनुमान भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। भारत से भी कई श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें पाकिस्तान की अनुमति लेनी पड़ती है, जिसकी प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी है। पाकिस्तान में ऐसे और भी कई हिंदू मंदिर हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।